मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा। हिंदुस्तान में हर साल 20 अरब सिगरेट का उत्पादन होता है और 500 सिगरेट बनाने में पूरा एक पेड़ कट जाता है। सिगरेट है ना, उसके ऊपर कागज लपेटा हुआ होता है, वो कागज सबसे बेहतरीन लकड़ी से ही बनता है, क्योंकि सिगरेट का कागज बहुत संवेदनशील होता है, जरा सा सुलगाओ तो जल जाए। सिगरेट के ऊपर जो कागज लपेटा जाता है उसके लिए, फिर सिगरेट को पैकेट में बंद करने के लिए जो कागज खर्च होता है उसके लिए, मैंने एवरेज निकाला 500 सिगरेट अगर पैकेट में बंद हो गई बनकर, तो एक भरा पूरा पेड़ कट जाता है इस देश में। करोड़ों पेड़ हर साल इस देश में कटते हैं सिगरेट बनाने के लिए, और वो सिगरेट बनकर जो धुआं निकलता है, उस धुएं से जो फेफड़े गलते हैं और उससे जो कैंसर होता है और उससे जो मौतें होती हैं और उन मौतों पे देश का जो नुकसान होता है, वो एक अलग हिसाब है। और फिर यही सरकार कितनी बेईमान और हरामखोर है कि सिगरेट के खिलाफ विज्ञापन नहीं आना चाहिए टीवी में, उसके लिए नाटक भी करती है। सिगरेट के खिलाफ सिनेमा में कोई सीन नहीं होना चाहिए, उसके लिए भी नौटंकी यही सरकार करती है। और मद्य निषेध विभाग भी इसी सरकार का है और सिगरेट के खिलाफ विज्ञापन करने का विभाग भी। क्या हरामखोरी इस देश में लोकतंत्र के नाम पर चल रही है, ये आप जरा सोचिए।